नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के दारू सफर में और आप देख सकते हैं काफ़ी विधायकों के यहाँ पर निवास हैं और आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे जिंदा भूत से मिलवाने जा रहे हैं जो यमराज, महाकाल और डीएम मुख्यमंत्री के पंजों से निकल करके आज हमारे बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल चौंकने वाली बात है, जिंदा भूत जिसका साक्षात्कार, जिसका लाइव इंटरव्यू अब हम करने जा रहे हैं। ये हैं संतोष मूरत सिंह, बनारस के रहने वाले हैं और 2011 से लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं इस अलाइव भूत संतोष। आपका क्या नाम है जी? प्रणाम, हमारा नाम संतोष कुमार सिंह है जी। ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के रहने वाले हैं जी। आपने ये लिख रखा है कि मैं जिंदा हूँ, 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, इसका क्या मतलब है? जी साहब, इसका मतलब यह है कि साहब हमको राजस्व विभाग में डेथ दिखा दिए हैं। अच्छा, वाराणसी के राजस्व विभाग में मेरे चचेरे ताऊ काका भाई ने लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में मर गया करके दिखा के मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए, सिर्फ इसलिए कि हमने एक महाराष्ट्रीयन दलित लड़की से शादी कर लिया और दलित लड़की से शादी करने का ये सजा हमको मिल रही है साहब जी। ये मतलब किस सन की ये घटना है जब आपको मृतक दिखा दिया गया? जी, ये 2003 और 4 के बीच की घटना है जी। और सन 2000 तक हम अपने गांव में थे और 1988 में प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम से वरासत हो गई थी। पिताजी हमारे आर्मी फौजी थे, फौज में थे और एक सैनिक का बेटा होने के बावजूद भी आज तक मैं भटक रहा हूँ। कोई हमको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला और उन लोगों ने लापता मिसिंग दिखा के, डेथ दिखा के मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए और 15 सालों से हम लगातार भटक रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार धरने पे हैं और साबित कर रहे हैं कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो उस दौरान मुंबई में आप क्या कर रहे थे, महाराष्ट्र में आप? जी जी, मुंबई में हमको फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब जी जो हैं, एक्टर हैं जी, वो आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए थे। अच्छा, सन 2000 में जी। तो उसी दरमियान हमारी उनकी मुलाकात हुई और साहब को हम अच्छे लगे और हमको तो साहब अच्छे लग ही रहे थे। उन्होंने हमको लाइक किया और उनको हम अपने हाथ से खाना बना के खिलाए तो उनको अच्छा लगा और बोले कि बेटा आप फौजी के लड़के हो, आप हमारे साथ चलो जी। और अपने साथ लेके चले गए और वहीं पे हम एजे कुक के तौर पे कार्यरत हो गए। मीडिया में भी साहब ने बोला है जी, नाना पाटेकर साहब ने, कि हम उनके कुक हैं। नसरुद्दीन शाह साहब ने बोला है, काफ़ी लोगों ने बोला, लेकिन इतने बड़े लोगों, सेलिब्रिटी लोगों की दलीलें भी काम नहीं आई साहब जी। तो जिस दौरान आप वहाँ मुंबई में थे उसी दौरान यहाँ आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आपको कागजों में मृत दिखा दिया गया जी। वहाँ पे थे और उसके बाद हम शादी करके गांव में आए साहब, तो ये लोग जो मेरे चचेरे भाई ताऊ काका, इन लोगों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार किया ये कहकर कि आप एक राजपूत होके, ठाकुर होके, दलित लड़की से, चमाइन से शादी किए हो, इसके लिए आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और समाज से बेदखल किया जाता है। हमको मारे पीटे, उस समय हम चले गए, फिर कुछ समय के बाद आए तो पता लगा कि हमारी 13वीं भी कर दिए है। अच्छा, और 13वीं करके 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। प्रशासन के पास गए तो प्रशासन का कहना था कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1500 के लिए बवाल हो जाता है और इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ नौकरी करते हो, जाके कमा के बना लो, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। थक हार के साहब ज्ञापन दिए, प्रार्थना पत्र दिए, कोई सुनवाई नहीं होता है, पीएम सीएमडीएम कोई नहीं सुनता है साहब। काफ़ी परेशान होने के बावजूद लास्ट स्टेज पे 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। बीच बीच में साहब ये लोग यहाँ आते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ साहब, लेकिन सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज होती है, बाद में कहाँ ये लोग किस कोने कब्जे में डाल देते हैं कुछ पता जी, नहीं साहब जी। आपने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, तो जब आप कागजों में मृत घोषित हैं तब किस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा और निर्वाचन आयोग ने आपको बाकायदा सब कार्ड वगैरह जारी किए, वो किस प्रकार से था? जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं साहब कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये चुनाव कौन लड़ा, मुर्दा की जिंदा जी। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो दिल्ली में 2012 में तिहाड़ जेल 151-701 में कौन गया, मुर्दा की जिंदा जी। और
ये 2017 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2012 में इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 जी, तो ये सब कौन कर रहा है? मुर्दा की जिंदा। और हमको चुनाव चिन्ह भी मिला था बेबी वाकर जी, हाँ जी। तो ये बेबी वाकर चुनाव चिन्ह किसको दिए हैं, मुर्दा को कि जिंदा को? ये इनसे भी हम सवाल करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बादाम खा के आओ, नाश्ता क्या किए हो, हाँ नाश्ता में क्या लिए हो? कौन कहता है डीएम? डीएम बोलते हैं कि डेड मैन अलाइव, आप नाश्ता करके आए हो, क्या किए हो? बादाम और दूध खाया करो। मतलब हम हमारी स्थिति चाय पीने की, खाने की नहीं है, और बादाम दूध हमको खिला रहे हैं, हमको हंसी का पात्र बनाते हैं ये लोग। और इनके लेफ्ट राइट वाले जो डीएम के हैं स्टोनो पीआरओ, ये लोग हमारा मजाक लेते हैं। हम जब आत्मदाह का ज्ञापन लेके जाते हैं, कहते हैं साहब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। तो ऐसे इतने बड़े उच्च पोस्ट पे पहुंचने वाले व्यक्ति का स्टेटमेंट ये होता है, ये होती है शिक्षा, ये होती है इनकी। अच्छा, ये जो जो जब जब ये चुनाव आपने ये जो लड़ा है, तो इसमें आपको बकायदा मतगणना के लिए और निर्वाचन के लिए सब आपके पास भी बने होंगे जी, क्या जी, वो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास? साहब डॉक्यूमेंट साहब हमको उस टाइम पे जो है कि पुलिस सुरक्षा गनर भी मिले थे जी, वो मीडिया में भी आए हैं, बोले हैं, और ये वकील का लेटर भी है जो हमको राजस्व विभाग में उन्होंने डेथ दिखाया है जी, हाँ, और पूरा इसमें जो हमें देखा राष्ट्रपति वाला भी लड़े हैं, ये सब निर्वाचन का ही है ना साहब, देख लीजिए इस पे पूरा, हाँ ये सब सूची किसका बनाए हैं, हाँ मुर्दा का कि जिंदा का, हाँ जब इनसे मिलो तो कोई भी नया डीएम आए तो बोले अभी हम नया आए हैं, अभी आपकी जांच करेंगे। पता लगा जांच करते करते वो खुद एक दिन चले जाते हैं और हम जैसे मुर्दे जिंदा भटकते ही रह जाते हैं। और हम अकेले ऐसे नहीं हैं, ऐसे हमारी तरफ हजारों लाखों लोग हैं, हजारों लोग लाइव डिबेट चैनल पे कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ। इनकी आंखें नहीं खुलती, बाहर गांव की मीडिया, विदेश की एम्बेसी में हर जगह जो है कि अल जजीरा, गल्फ न्यूज, बीबीसी हिंदी, बड़े बड़े चैनलों पर आ रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है कि मुर्दे जिंदा हैं। सब मुर्दों पर राजनीति है साहब, सब मुर्दों पर राजनीति है जी। आपको, आपने जब यहाँ पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में जब आपने धरना प्रदर्शन किया था, उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उस समय हजरतगंज थाने में भी जी, कुछ प्रकरण हुआ था आपका, वो क्या मैटर था? उसमें जब हमने 2012 में इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 जब हमने राष्ट्रपति का नामांकन भरा तो एक सवाल उठा, तो पूरी मीडिया हमको साथ में लेके आई यहाँ 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने संज्ञान में लिया हमारा मैटर और FIR लिखवाए, लेकिन वो FIR सिर्फ कागजों पे ही दर्ज हुआ, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी FIR कॉपी लेके हम भटक रहे कि साहब मैं जिंदा हूँ, DGP ऑफिस जाते हैं, DGP कार्यालय जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कभी बोलते हैं क्राइम ब्रांच में फाइल लगी है, फिर बोलते हैं कि जांच चल रही है, कब तक जांच चलेगी? अच्छा, पिछले साल आप इस प्रकरण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी क्या? जी, उन्होंने क्या कहा था? 2017 में हम उनसे मिले अपना प्रार्थना पत्र लेके, और कहा कि साहब देखिए ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हो गई है, शारीरिक आर्थिक मानसिक पीड़ाओं से भी हमको ग्रसित किया जा रहा है और इतने सालों से हम परेशान है। तो उन्होंने कहा कि आप डीएम के पास जाइए और डीएम आपको 24 घंटे में जिंदा करेंगे। और हमने उनसे कहा कि साहब एक हमारे साथ फोटो खिंचवा लीजिए, हाँ। तो बोले अभी नहीं, आप जिंदा हो जाओगे तब फोटो खिंचवाएंगे, मतलब आप भी मान रहे हैं कि मैं मरा हुआ हूँ, हाँ। और हमारे पास सबूत क्या है कि हम कैसे बोलेंगे कि हम फलाने डेट पे CM से मिले हैं? हमको लिखित आदेश तो कोई दे नहीं रहे हो, मौखिक आदेश कर रहे हो कि जाओ फलाने आदमी से मिल लो, बीच में कोई हमको मार दे, कुछ हो जाए, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ। बीजेपी सरकार में और किससे किससे आपकी बात हुई? किसी और ने आपको आश्वासन दिया, किसी और से मिले आप? राजनाथ सिंह जी जी, उन्होंने तब वो गृह मंत्री नहीं थे, 2012 में पार्लियामेंट घेराव किए थे तब वो हमसे मिले थे जंतर मंतर। इधर इस बीच में जब से प्रदेश में नई सरकार, बीजेपी की नई सरकार आई है, आप किसी और से मिले मुख्यमंत्री जी के अलावा? मंत्री जी के अलावा सब लाइव डिबेट चैनल पे ही बैठे हैं, डिप्टी CM, ऊर्जा मंत्री, सब लोग बैठे हैं और बहस कर रहे हैं कि भाई पिछली सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे। फिर मौखिक कहते हैं, लिखित तो कुछ करते नहीं है, तो इसके बाद ऐसे लोगों से क्या मिलोगे, क्या कहोगे जिनकी आत्मा ही मर चुकी है? हाँ, जब आत्मा जिंदा हो तब तो उनसे मिला जाए, और इतना आसानी से लोग मिलते कहाँ है साहब, भटकते रहिए। कभी आज साहब दौरा पे है तो आज फलाने जगह है, ढिकाने जगह है, ये स्थिति है जी। तो अब इसमें आगे आप क्या और कार्रवाई करने जा रहे हैं जिससे आप जिंदा हो सकें? जी, अपने तरफ से साहब हम पूरी कोशिश करते हैं, हाँ कभी
घेराव करते हैं, हाँ, जैसे अभी विधानसभा का घेराव करेंगे और बीच बीच में जैसे जिंदा मुर्दा दिवस मनाए, हाँ, हमारी तरह जितने भी मुर्दे थे सब आए थे 30 जून को यहाँ पे लखनऊ में, लेकिन यहाँ परमिशन इन लोगों ने नहीं दिया और हमको उल्टा धमकी भी दिए कि आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप पे केस करके फंसा देंगे, आप बिना परमिशन के आंदोलन नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि परमिशन तो जिंदा लेते हैं, मुर्दों के लिए किस परमिशन की बात कर रहे हो साहब आप, परमिशन तो जिंदा लोगों के लिए होता है ना साहब, कि मुर्दे भी परमिशन लेंगे जब हम मरे ही हैं, तो काय का परमिशन, हम जहाँ खड़े वहीं से लाइन शुरू। संतोष जी ये बताइए कि अगर इतना सब होने के बाद भी जो है अगर आप मतलब जिंदा भूत से और कागजों में जिंदा नहीं होते हैं तो अगली रणनीति क्या होगी, आपको किस प्रकार आप जिंदा होना चाहेंगे? जी साहब देखे बोले विश्वास पे दुनिया कायम है, हम भी विश्वास पे ही लड़ रहे हैं जी, और 2019 में चुनाव लड़ेंगे और जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सबसे निवेदन भी करेंगे कि अगर हमको टिकट दें तो हम उनके उससे लड़ेंगे, अन्यथा अगर कोई नहीं भी देता है तो हम निर्दल लड़ेंगे। तो दोस्तों देखा आपने इस जिंदा भूत को जिनका नाम संतोष मूरत सिंह है और ये 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उसके अलावा नाना पाटेकर के यहाँ कुक का काम कर चुके हैं और 2017 में ही इन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात भी की थी, तब सीएम योगी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप जिंदा हो जाएंगे, लेकिन 2011 से आज तक अपने जिंदा होने का प्रमाण ढूंढ रहे संतोष सिंह, अब फिर 2019 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा कि तमाम राजनीतिक दलों को इन्होंने खुला ऑफर दिया है कि अगर कोई भी पार्टी इनसे चुनाव लड़ना चाहती है, इनको टिकट देगी तो ये उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजस्व विभाग हो या हमारे सरकारी शासन तंत्र में उलझ करके आदमी किस प्रकार से रह जा रहा है, आज भी जो नीचे का आदमी है आम आदमी है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, बड़े बड़े लोग आश्वासन दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन आपने देखा कैसे एक जिंदा आदमी आज भी मरा हुआ है और अब पता नहीं भगवान जाने कब वो जिंदा होगा। रंजीत।